Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. Okay, students. So we have started our chapter number 3, in which our second major component was the major crops of agriculture sector. So under major crops, we have different crops which are contributing towards the GDP of an economy. Okay, so let's start from the cotton. Cotton के बारे में वो बता रहा है, it is the most major cash crop of the Pakistan. जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी major जो cash crop है वो है आपके पास cotton, ठीक है. और cotton के लिए उसने मतलब cotton जो हमारे पास सबसे ज़्यादा expensive एक crop है उसे वो हमारे पास cotton है, ठीक है. अगर हम उसके area की बात करें तो under cultivation जो है वो ड्यूरिंग 2010 से 2011 तक वो उसने आपको एरिया बताया हुआ है 2690,000 हेक्टर. उसके बाद प्रोडक्शन जो थी वो 11,460 मिलियन बेल्स हैं. और जो आपके पास ड्यूरिंग 2010 टू 11 जो उसकी ईयर थी वो 725 केजी पर हेक्टर उसकी जो थी वो हमारे पास ईयर मौजूद थी. शुगर केन, शुगर केन का भी इतना उसने डिफरेंट उसका एरिया कितने एरिया के ऊपर उसकी कल्टिवेशन होती है, हमें उसकी प्रोडक्शन कितनी मिलती है और उसका यील्ड हमारे पास मतलब पर हेक्टर हमें उसकी कितनी जो रिटर्न है वो मिल रहा है वो उसके बारे में बताया हुआ है. नेक्स्ट वो राइस की बात कर रहा है, राइस भी हमारी मेजर क्रॉप है, उसका भी एरिया प्रोडक्शन और यील्ड बताया हुआ है आपको. नेक्स्ट वो आपसे वीट की बात कर रहा है, वीट का भी आपके पास एरिया भी है, प्रोडक्शन भी है और प्रोडक्टिविटी भी है. यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मीन्स मतलब जो भी उसकी पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर जो उसकी यील्ड है, मतलब हाउ प्रोडक्टिव इज दैट सेक्टर. मतलब प्रोडक्शन से तो ये ना कि टोटल आप कितनी प्रोडक्शन जो है वो ले रहे हैं, उसके बाद ये कि पर हेक्टर हम उसका कंपेयर जैसे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे कि एक्चुअली एक काम को करने पर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और उस काम को करने में हमें बेनिफिट कितना मिला. तो बेसिकली ये हम ये चेक करते हैं कि हाँ जी पर एकड़ या पर हेक्टर हमारे पास कितनी जो है वो प्रोडक्शन आ रही है, ताकि फिर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कितना बेनिफिट या प्रॉफिट में वहाँ पर सर्वाइव करें. नेक्स्ट आपके पास ये प्रोडक्ट फूड सिक्योरिटी, ठीक है. डेफिनेटली किसी भी कंट्री के अंदर जो भी उसकी मेजर क्रॉप्स होती हैं ना उसके थ्रू उन्होंने अपने जो भी इनके कंज्यूमर्स होते हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है. फूड सिक्योरिटी का मतलब है फूड शुड बी उसकी तीन फीचर्स जो बताई गई हैं, दैट इज एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड बैलेंस डाइट. एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि थिंग्स शुड बी इन योर एक्सेस, आपकी पहुंच में वो चीज़ें. अगर से फॉर एग्जांपल आपको वीट की ज़रूरत है तो आप उसको बाय कर सके, राइस की ज़रूरत है तो आप उसको आपके पास वो अवेलेबल हो, आपको कॉटन की ज़रूरत है तो आपको अवेलेबल हो. तो फर्स्ट फीचर है कि एक्सेसिबिलिटी, जो भी आपका फूड है वो आपकी एक्सेस में हो, आपकी पहुँच में हो. अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि यू शुड हैव द बाइंग पावर, आपके पास इतनी आपकी बाइंग कैपेसिटी, आपकी बाइंग पावर इतनी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई फूड चाहिए तो आप उसको खरीद सकें. थर्ड वन पे था बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी आप डाइट जो यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल, ठीक है. मतलब वो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे आपकी बॉडी को, मतलब उसके अंदर सारी ही न्यूट्रिएंट्स जो ना वो कंप्लीट होने चाहिए. तो वो अफोर्डेबिलिटी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो फूड से रिलेटेड अफोर्डेबिलिटी ऑप्शन है ना वो हमारे पास इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे जो लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर सेक्टर से बिलोंग करते हैं या जो लोग पॉवर्टी लाइन में हैं वो उनकी फूड एक्सेस में भी होता है, बैलेंस डाइट भी उनको प्रोवाइड करा होता है, लेकिन वो उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं होता. एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे आपको बताइए, दैट इज 12 to 14% प्रोटीन इज अवेलेबल इन वीट. वीट के अंदर वीट से हमें 12 to 14% प्रोटीन जो होता है वो हमें वीट से भी मिल जाता है, ठीक है. सो उसके लिए लाइक हम जैसे मीट यूज़ करते हैं या एग्स यूज़ करते हैं प्रोटीन के लिए, तो हमारा जो वीट है वो भी बहुत इनरिच्ड है प्रोटीन के लिए. तो एवरेज प्रोडक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो 28 मंथ्स है पर एकड़, विच इज़ फ्रॉम बोथ इरीगेशन एंड रेनफील्ड. एक्चुअली हमारे पास जो वाटर मतलब जो हमें अवेलेबिलिटी होती है वो हमने रेनफील्ड के बारे में डिस्कस भी किया था कि एक्चुअली जब मूनसून रेन्स होती हैं तो वो मतलब जो जितना भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है क्रॉपिंग के लिए, सोइंग के लिए, तो वो उस टाइम पर वो प्रोवाइड करते हैं. और कुछ चीज़ें हम लोग अपने इरीगेशन सिस्टम मतलब जो हम लोगों ने अपना ये पानी वगैरह के लिए उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए होते हैं, जैसे कोई ट्यूबवेल वगैरह आपके पास मौजूद है, कोई नहरें हैं उनके साथ, ठीक है. तो वहाँ से जो होता है हम अपना इरीगेशन का जो वर्क है वहाँ से चलाते हैं. तो ये थी हमारे पास मेजर क्रॉप्स. और माइनर क्रॉप्स में हमारे पास उसने ऑयल सीड को डिस्कस किया है. ऑयल सीड में उसने 2009 to 2010 और 2010 to 2011 तक का जो उसका प्रोडक्शन है वो भी और जो टोटल एरिया है अंडर कल्टीवेशन वो भी बताया हुआ है.
तो कहते हैं एरिया फॉर इट्स कल्टिवेशन वॉज डिक्रीज्ड इन 2010 टू 2011। वो कहते हैं कि अगर आप चेक करेंगे ना तो एरिया जो है वो डिक्रीज हो गया। पहले एरिया कितना था 9090, और उसके बाद अब एरिया कितना 8230 थाउजेंड्स के ऊपर चला गया। एरिया कम हो गया है बट प्रोडक्शन स्टिल इंक्रीज, लेकिन जो प्रोडक्शन है ना देखिए 662 से 696 पे चली गई है। प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो गई है। कहते हैं क्यों प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, ड्यू टू थ्री न्यू ऑयल सीड्स वराइटीज़, क्योंकि हमने तीन जो थी वो न्यू ऑयल सीड की वराइटीज़ जो थी वो लॉन्च की थी। उसमें कौन कौन सी है, कैनोला ऑयल है आपके पास, कैनोला सोयाबीन है और सनफ्लावर। इसके बाद आपके पास इनपुट सेक्टर, इनपुट सेक्टर का ये जो भी हम जिनकी बात कर रहे थे ना, मेजर क्रॉप्स और माइनर क्रॉप्स, ये बेसिकली हमारे आउटपुट हैं। ठीक है, डेफिनेटली हम कुछ इनपुट जो होता है वो देते हैं और फिर हम लोगों को वहाँ से कोई ना कोई अपने सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से आउटपुट रिसीव होती है। इनपुट के अंदर जो डिफरेंट जिसके बारे में वो बात करें, नंबर वन फर्टिलाइजर, ठीक है, मतलब अपनी उसकी जो भी हमारी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। तो थ्री टाइप्स की जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज़ होती हैं हमारे पास, हमारे पास होता है नाइट्रोजन होती है, हमारे पास फास्फोरस है, हमारे पास पोटासियम है। ठीक है, नाइट्रोजन को वो एम से डिनोट कर रहा है और जो फास्फोरस की वो है डिपिक्शन वो पी से है और पोटासियम जो है वो के से। अब जो रिकमेंडेड रेट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप नाइट्रोजन को 2 मतलब 2:1, और जो आपके पास फास्फोरस है उसकी 1:1, और पोटासियम की जो है वो 1:1 जो है वो यूज़ करें, ये रिकमेंडेड रेशो होना है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो सॉइल होगी वो बहुत फर्टाइल रहेगी और आपके पास जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इन पाकिस्तान हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर लेकिन बेसिकली पोटासियम ओवर हियर, हमारे पास पोटासियम नहीं है तो हम नाइट्रोजन और फास्फोरस तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम अपनी सॉइल के लिए पोटासियम यूज़ नहीं कर रहे। फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट हमारे पास है सीड। तो जब तक सीड नहीं होगा प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। ठीक है, सो वी यूज इट इन वेजिटेबल, पोटैटोज, मेज। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जब भी हम उसको सोइंग करेंगे तो सीड के थ्रू ही होगी, और सीड जितना अच्छा होगा प्रोडक्शन भी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म, मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है यूज ऑफ मशीन, मतलब मैकेनिकली आप उसके अंदर कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन में वो कहते हैं इन पाकिस्तान इट मीन्स जो ट्रैक्टर, ट्रैक्टराइजेशन का मतलब इट मीन्स ट्रैक्टराइजेशन इज इन फॉर्म ऑफ मैकेनाइजेशन। पाकिस्तान के अंदर जो हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं ना, मतलब नॉर्मली जो फार्मर ट्रैक्टर यूज़ करता है उसको लगता है कि हाँ जी उसने सारी की सारी मशीनरी और जितना भी मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग वर्क था वो सारे का सारा उसने अपने फील्ड के ऊपर अप्लाई कर लिया। सो वी यूज मशीन्स इन सोइंग, सोइंग के लिए मशीन्स यूज़ होती हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए मशीन्स यूज़ होती हैं, वीडिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, इन एडवांस कंट्रीज, ठीक है, अदर हर चीज़ के लिए। अब फिर पाकिस्तान में भी थोड़ा एडवांस हम सिस्टम चला गया। नॉर्मली हार्वेस्टिंग के टाइम के ऊपर हम लोग मशीन्स को यूज़ कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इन एडवांस कंट्रीज हर हर जगह पे, जब आप सोइंग करते हैं तब भी, जब आप फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तब भी, जब आप सीड्स लगाते हैं सोइंग के टाइम पे वो सीड्स ही लग रहे हैं। ठीक है, अगर कोई वीड्स आ गए हैं तो पेस्टिसाइड्स आ गए हैं हार्वेस्टिंग के टाइम के ऊपर, हर हर जो होता है आपकी जगह के ऊपर, आपकी लेबर वर्क को मिनिमाइज करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, कॉस्ट को सेव करने के लिए हम मशीनरी यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ ट्रैक्टर, उसने ट्रैक्टर की प्राइस बताई हुई दैट, बट दैट इज़ एन ओल्ड प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्या मौजूद है, इरीगेशन। इरीगेशन इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल इनपुट, बहुत बहुत क्रिटिकल इनपुट, दैट इज़ बेसिकली वाटर। हम वाटर कैसे प्रोवाइड करते हैं अपने क्रॉप्स को, तो हमारे पास इरीगेशन के लिए जो वाटर लेवल है ना, जो नेचुरल वाटर लेवल है हमारी लैंड का, दैट इज़ गोइंग कॉन्टिन्यूसली डाउन। ठीक है, कहते हैं वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन, वो नीचे चला जाता जा रहा है। 80% ऑफ द वाटर इज़ यूज इन द एग्रीकल्चर, हमारा 80% वाटर हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाता है, और जो 13 to 14% जो है वो हमारी इंडस्ट्री यूज़ कर लेती है, एंड रिमेनिंग जो है ना वो हमारे डोमेस्टिक यूज़ में आता है। ठीक है, मतलब लाइक जो 6 to 7% जो हमारा वाटर है वो हमारा ह्यूमन बींग्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी सारे का सारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ही यूज़ कर रही है। केमिकल्स, डेफिनेटली केमिकल्स भी यूज़ होते हैं हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, बल्कि हम लोग ये बार बार ये कहते हैं कि ओवर यूज़ जो होता है केमिकल्स का वो वेजिटेबल्स को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट्स होती हैं। तो मतलब केमिकल्स के अंदर बेसिकली तो दो ही होते हैं, वीड्स, मतलब जो वीड्स जड़ी बूटियाँ से आ जाती हैं उनके लिए, और अगर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक हो जाता है, कोई कीड़े वगैरह होते हैं तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करनी पड़ती है। तो जो दोनों हैं, वीडिसाइड्स भी और पेस्टिसाइड्स भी, दोनों ही हमारे पास कहाँ से आते हैं, केमिकल्स से बेसिकली बनती हैं। तो केमिकल्स भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल्स और मिनिमम जो आपकी क्वांटिटी है जो कि इफेक्टिवली जो वर्क करेगी उसको उसमें यूज़ करना चाहिए। एक जो नेक्स्ट आपके पास है वो दैट इज़ योर लेबर। लेबर के लिए वो कहते हैं फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, हम लोग जब हार्वेस्टिंग कराते हैं और थ्रेशिंग कराते हैं उस टाइम पर हमें लेबर लेबर की ज़रूरत है, जब हम स्टार्ट से होती है, जब हम सोइंग करते हैं, जब हम फर्टिलाइजर लगाते हैं, जब हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, ईच एंड एवरी टाइम के ऊपर जो हमें लेबर की भी जरूरत होती है, तो लेबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है।
यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस किए गए हैं, इनको है हम फर्दर भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीडीपी को हम लोगों ने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, दैट इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन सबकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। देन हमारे पास आता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू उसमें जो हमारे पास मैंने आपसे कहा था GDP प्लस फॉरन इनकम, जो फॉरन से हमारे पास, अब फॉरन में जिसने आपको लिखा हुआ है एक्स माइनस एम, एक्स हम आपके पास क्या एक्सपोर्ट्स हैं और एम आपके पास क्या इम्पोर्ट्स, हम अपनी एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स की अमाउंट माइनस, मतलब बाहर से हमने कितने पैसे रिसीव किए और कितनी जगह पेमेंट कर दिया, तो उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट आती है वो उसको ऐड करेंगे जब GDP में, तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे आती है, GNP, ये जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था इसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास NNP आ जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और NNP के लिए डेप्रिसिएशन क्या है, बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यूज़ का डिक्रीज हो जाना। अब वैल्यूज़ क्यों डिक्रीज होती हैं, ड्यू टू वियर एंड टियर। जब भी हम किसी भी एसेट को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उस एसेट को यूज़ करने की वजह से जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वेयर एंड टियर ऑफ द कैपिटल यूज अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर किसी भी एसेट को यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई जाहिर सी बात है उसके अंदर तोड़ फोड़ भी होती है, यूजेज की वजह से भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो लास्ट पॉइंट इज आपके पास है NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके लिए क्या है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपके पास नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में बेसिकली आपके पास ये जितना भी एनिमल्स आपके पास आ जाते हैं, आपकी ये पोल्ट्री हो गई, आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गई, आपकी फिशरीज हो गई, ठीक है, ये सारे के सारा जो एरिया ये आपके लाइफ स्टॉक में आ जाता है, और लाइफ स्टॉक को भी हम एग्रीकल्चर में ही कंसिडर करते हैं।